हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है 3D10 में आठवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। ठीक है, और ये आपका प्रश्न क्लास 11 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है परमाणु संरचना उससे संबंधित है, और क्वांटम संख्या से यहाँ पर रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेगा। और ख़ास बात है कि इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं क्वांटम संख्या से संबंधित वही पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है कि क्या दिया गया है। तो 3D10 नाम का एक उपकोष है, यानी 3D नाम का उपकोष है जिसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जो कि भरे हैं। तो यहाँ पर 3D10 लिख लिया गया। अब इसके बाद में इसी 3D के उपकोष के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, N और L के मान निकाल लेंगे। तो ये जो आपका 3 है ना, ये मुख्य क्वांटम संख्या का मान है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी आप लिखेंगे तो N बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, और आप ऑलरेडी जानते हैं कि L के मान होते हैं 0, 1, 2 और 3, जिनके लिए उपकोष बिलोंग करते हैं क्रमशः एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो डी उपकोष के लिए आपका एल का जो मान है ना वो हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद में जब एल का मान पता हो जाएगा तो हम लोग एल के मान से एम का मान निकाल लेंगे। और ऑलरेडी आप जानते हैं कि एम के मान माइनस एल से प्लस एल तक शून्य सहित हो सकते हैं, या प्लस एल से माइनस एल तक शून्य सहित हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एम के मान हो जाएंगे वो हो जाएंगे -2, -1, 0, +1 और +2। ठीक है, तो यहाँ पर m के मान से हमें आर्बिटलों की संख्या की जानकारी मिलती है। तो ये हो जाएंगे आपके टोटल l बराबर 2 के लिए m के कुल 5 मान, और ये जो 5 मान है ये आर्बिटलों को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 5 आर्बिटल यहाँ पर पता चलेंगे। अब इसके बाद में हमें पता है कि 3D यानी डी उपकोष के अंतर्गत 5 कक्षक होते हैं, और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इन्हें हुंड के नियम से भरेंगे। हुंड का नियम कहता है कि पहले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो और उसके बाद में युग्मित करो अगर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे। अब ये हो गया आपका पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, और इसके बाद में ये छठा इलेक्ट्रॉन, ये वाला सातवां, और ये वाला आठवां इलेक्ट्रॉन, और ये वाला नौवां इलेक्ट्रॉन, और ये अंतिम दसवां इलेक्ट्रॉन। हमसे पूछा है आठवें इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं आठवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं पूछी। तो ये आपका हो जाएगा आठवां इलेक्ट्रॉन, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये आठवां इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए एम का मान हो सकता है कितना, 0, क्योंकि ये आपका ऑर्बिटल है ना। ठीक है, ये वाला आर्बिटल जिसके लिए एम का मान 0 है, इसी आर्बिटल में भरा है आठवां इलेक्ट्रॉन, तो एम का मान हो जाएगा 0। और जो एस का मान है ना वो हो सकता है +1 और -1 दोनों। क्यों? क्योंकि अगर पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए +1 मानेंगे तो बाद वाले के लिए -1 हो जाएगा, अगर पहले वाले के लिए -1 माना गया होगा तो बाद वाले के लिए +1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एस के 2 मान हो सकते हैं, वैसे एम के भी 2 मान हो सकते हैं -0, +0, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। तो डायरेक्ट लिख दिया गया है एम का मान 0 और एस के 2 मान +1 और -1। तो इस तरीके से 3D10 में आठवें इलेक्ट्रॉन के लिए अगर चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालेंगे तो एन बराबर 3 आएगा, एल बराबर 2 आएगा, एम बराबर 0 आएगा और एस बराबर +1 या -1 आएगा। इस तरीके से हम लोग आसानी से बता सकते हैं 3D10 में आठवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।